हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक की कहानी में हमने देखा कि वो जो बच्चा है अब वो अपने पेरेंट्स के साथ मेले तक पहुंच चुका है। मेले में बड़ी सारी चीजें हैं जो कि उसको अट्रैक्ट भी कर रही हैं और थोड़ा कंफ्यूज भी कर रही हैं। उसको यहाँ पे मिठाई वाला दिखा, यहाँ पे एक फूल बेचने वाला भी दिखा, यहाँ तक कि एक स्नेक चार्मर की फ्लूट से भी वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो चुका है। पर किसी भी केस में वो अपने पेरेंट्स से कोई भी रिक्वेस्ट नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि उसके पेरेंट्स किसी ना किसी रीजन से उसको कुछ भी खरीदने से मना कर देंगे। अब फाइनली उसको एक झूला दिखता है, एक राउंड अबाउट, जिससे वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है और पूरे करेज के साथ हिम्मत जुटाकर अपने पेरेंट्स से पूछता है कि क्या मैं वो झूला झूल सकता हूं। अब दोस्तों, आगे कहानी में क्या होता है वो हम अब देखने वाले हैं, तो देखिए शुरू करते हैं। देयर वॉज नो रिप्लाई। दोस्तों देखिए, अब जब उस बच्चे ने अपने पेरेंट्स से पूछा कि क्या मैं झूला झूल सकता हूं, तो कोई भी आवाज नहीं आई पीछे से। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स। वो मुड़ा अपने पेरेंट्स को देखने के लिए। दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम। वो उसके आसपास नहीं थे, पीछे नहीं खड़े थे। ही टर्न टू लुक ऑन ईदर साइड। उसने साथ में भी देखा। दे वर नॉट देयर। वो वहां पर भी नहीं थे। ही लुक बिहाइंड। उसने पीछे अच्छे से देखा। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम। कहीं भी उसको अपने पेरेंट्स नहीं दिखे। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट। उसका जो गला था अब वो सूख चुका है, वो रोना चाहता है बहुत ज्यादा। एंड विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, उसको एकदम धक्का लगा। ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड। वो जहां पर भी था वहां से एकदम भागने लगा। Crying in real fear, डर की वजह से अब वो रो रहा था बहुत ज्यादा। Mother, father, चिल्ला रहा था कि मेरे मम्मी मेरे पापा कहाँ पर है। Tears rolled down from his eyes, अब वो रोने लगा। Hot and fierce, उसकी बॉडी गर्म हो चुकी है, वो बहुत ज्यादा डर चुका है, उसका पूरा फेस अब रेड हो चुका है। His flushed face was convulsed with fear, अब जो उसका फेस था वो डर की वजह से अब छोटा सा हो चुका है, श्रिंक हो चुका है। कन्वर्स का मतलब है कि अब वो बहुत ज्यादा डर चुका है, उसका फेस बहुत छोटा सा श्रिंक हो चुका है, रेड हो चुका है, अब वो रो भी रहा है, घबरा चुका है। अब आगे क्या होता है? पैनिक स्ट्रिकन, वो थोड़ा पागल सा हो गया है, वो अब बहुत ज्यादा परेशान है। He ran to one side first, वो पहले एक तरफ गया, then to the other, फिर वो दूसरी तरफ गया। Hither and thither in all directions, वो हर डायरेक्शन में अब घूमने लगा, अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहा है। Knowing not where to go, उसको अब नहीं पता कि मैं कहां जाकर ढूंढूं। Mother, father, he wailed, वो रोने लगा, चिल्लाने लगा कि मम्मी पापा मेरे कहां पर है। अब दोस्तों आगे क्या होता है देखिए। His yellow turban came untied and his clothes became muddy. अब वो इतना ज्यादा घबरा चुका है, इधर उधर घूम रहा है, इसकी वजह से जो उसकी पगड़ी थी येलो कलर की वो भी अब खुल चुकी है, उसके कपड़े पूरे गंदे हो चुके हैं। अब आगे क्या हुआ देखते हैं। Having run to and fro in a rage of running for a while, थोड़े टाइम के लिए जब वो इतना ज्यादा घूम रहा था, उसके बाद उसने क्या किया? He stood defeated, वो खड़ा हो गया, उसने हार मान ली। His cries suppressed into sobs. पहले जो वो रो रहा था अब वो सुबकने लगा, वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है, उसको नहीं पता कि अब क्या करूं मैं। At little distances on the green grass, he could see through his filmy eyes men and women talking. अब दोस्तों, क्योंकि वो रो रहा था, उसकी आंखों में पानी आ गया और अब धुंधली धुंधली आंखों से वो देख रहा है कि आसपास बड़े सारे वहां पे मेन हैं, वुमेन हैं, हंस रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। उसने बड़ी कोशिश करी कि वो अपने पेरेंट्स को ढूंढ पाए। He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes. उसने बड़ी कोशिश करी कि वो वहां पे जितने भी लोग थे उनके बीच में कहीं पे अपने पेरेंट्स को ढूंढ सके। But there was no sign of his father and mother among those people who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. उसने बड़ी कोशिश करी, but फिर भी उसको कहीं पर भी अपने पेरेंट्स नहीं दिखाई दिए। उसके पेरेंट्स हंसते हुए, बात करते हुए उसको कहीं पर भी नहीं दिखाई दिए। अब आगे क्या होता है देखिए। He ran quickly, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. अब दोस्तों, वो वापस वहां से उठा और अब भागने लगा। कहां पर भागने लगा? एक मंदिर की तरफ। वो एक मंदिर के पास गया जहां पे बड़े सारे लोग थे, बड़े सारे लोगों का क्राउड था। Every little inch of space here was congested with men. वहां पे हर इंच पर बड़े सारे लोग थे, पूरा क्राउड था, वहां पे भरा हुआ था। But he ran through people's legs. फिर भी वो लोगों की टांगों के बीच से वहां पर आगे जाने लगा। His little sob lingering, mother, father. वो अभी भी सुबक रहा है, बोल रहा है कि मम्मी पापा मेरे कहां पर है। Near the entrance to the temple, वहाँ पे जो मंदिर है, उसकी entrance के पास वो पहुँच चुका है। However, the crowd became very thick. वहाँ पे crowd एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। Men jostled each other. सारे लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। Heavy men with flashing, murderous eyes and hefty shoulders. यहाँ पे उन लोगों को describe किया है कि वो जो भीड़ है, वहाँ पे जितने भी लोग हैं, वो बहुत बड़े-बड़े उसको लग रहे हैं। उनकी जो eyes हैं, वो उसको murderous लग रही हैं। कोई भी उसकी help नहीं करना चाह रहा। And hefty shoulders. सबके shoulders बड़े-बड़े, large लग रहे हैं। Hefty का मतलब large लग रहे हैं दोस्तों।
अब आगे क्या हुआ? द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल्ड टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फीट। उसने बड़ी कोशिश करी कि वो लोगों के बीच से आगे जा पाए, अपने मदर फादर को ढूंढ पाए, बट नॉक्ड टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स। पर वो जो लोग हैं, इतनी ज्यादा भीड़ है, सबको धक्का दे रहे हैं, उनकी मूवमेंट्स की वजह से वो आगे अब नहीं बढ़ पा रहा है। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडरफुट। अब ऐसा होने ही वाला था कि किसी के पैर के नीचे वो दबने वाला था, क्रश होने वाला था। क्या हुआ? हैड ही नॉट स्ट्रीक्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस। अगर वो तेजी से ना चिल्लाता फादर मदर, मतलब कि दोस्तों यहाँ पे अगर वो तेजी से ना चिल्लाता तो बिल्कुल वो क्रश होने वाला था, वो बिल्कुल लोगों के पैर के नीचे दबने वाला था, उसको चोट लगने वाली थी। A man in the surging crowd heard his cry. अब वहाँ पे एक पर्सन है, कोई पर्सन है जिसने उस surging crowd, उस powerful crowd में उस बच्चे की आवाज को सुन लिया, उसकी वो जो रो रहा था, उसकी चीख को सुन लिया। Stooping with great difficulty, वो जो पर्सन है, वो बड़ी मुश्किल से नीचे झुका। Lifted him up in his arms, और उस पर्सन ने इस बच्चे को अपनी गोदी में उठा लिया। अब दोस्तों ये पर्सन कौन है? ये क्या उसके पेरेंट्स हैं या फिर कोई और है? इसी चीज को हम जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट पार्ट में, जिसका नाम होगा द स्ट्रेंजर। तो चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर्स समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए पीयूस्टैक ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड पीयूस्टैक ऐप।